तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है। अब कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम करेगी। हम लोग समर्थक किसानों के साथ, हमारा संघर्ष किसानों को लेकर के आज किसान सड़क पर है और 18 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और हमने तो अपने कार्यकर्ता अपने जितने नेता है हम सब लोगों से कहे कि भाई कभी भी चुनाव हो सकता है, आप तैयार है। हम लोगों को न्यायालय में पूरा भरोसा है और न्यायालय का हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द न्यायालय जो है इस पर फैसला लेंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ किसानों को मजदूर बना दिया बल्कि नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। बिहार के नियोजित शिक्षकों की स्थिति क्या है यह किसी से छुपी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को रिगलाइज्ड करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसानों के साथ खड़ी रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अगर हमारे पास जो डाटा है, अगर आप देखा जाए कि सरकार का जो टारगेट होता है चाहे धान नदी प्राप्ति को लेकर के या आपका गेहूं की अधिक प्राप्ति को लेकर के, तो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। अगर 2018-19-20 देखा जाए तो 3000 मेट्रिक टन सरकार का टारगेट था कि हम धान की अधिक प्राप्ति करें, हुआ कितना उसका आधा भी। उसी तरीके से अगर आप गेहूं का देखा जाएगा तो उसमें तो कुछ कमी नहीं। 2019-20 में फिर से 30 लाख मेट्रिक टन रखा गया और वो लक्ष्य को भी उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया। 2018-19 में देखिएगा तो 14.6-16 लाख मेट्रिक टन ही दिन धान की अधिक प्राप्ति हुई, 30 लाख मेट्रिक टन ही धान की अधिक प्राप्ति हुई। यानी सरकार को अपना लक्ष्य रख रहा है, उस लक्ष्य को भी जो है वो पूरा नहीं कर रहा जो 30 लाख मेट्रिक टन का है। और कई केंद्र मंत्री आपके नीतीश जी के घर पत्रिया को जाकर के वो किसानों को सलाह देने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी के घर जाकर जिनको ये नहीं पता है कि कितना गाय का खान होता है, कितना कौन सा फसल होता है, वो सब जो है आज किसानों को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों को जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरा साफ सवाल है खासतौर पर बिहार के किसानों को लेकर के, क्योंकि आय देश भर में सबसे कम है। बिहार के कितने एमपी बीजेपी के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, जेडीयू के हैं, कितने केंद्र मंत्री हैं या राज्य सरकार है। हम लोग लगातार इसलिए कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया। और नीतीश कुमार ने सिर्फ किसानों को भी बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। वेबसाइटों के साथ क्या हो रहा है बिहार में यह किसी से छुपा नहीं है। शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बिहार में यह किसी से छुपा नहीं है।
बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है। कोई कारखाना बिहार में इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा, और जो बिहार सबसे ज्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है, और वहां अगर आप एपीएमसी को खत्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, बाजार समिति को खत्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है। अब कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम है। ये अन्नदाता है, इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहां बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलिया है, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। एक केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे, क्या एमएसपी खत्म करके जब किसानों को फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे करेगा? किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है, धान अगर न्यूनतम हमें समर्थन मिल अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीद खरीदारी 800, 900, 1000, ये बड़ी समस्या है। और बिहार के मुख्यमंत्री इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए जो बार बार पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से कुछ नहीं, लोग तो एक से बयान भी है, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया। उसके हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी की जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिला वार हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर नेता उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करते हैं, और हम लोग मजबूती के साथ जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं, उनके संघर्षों के साथ हम और हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, ये तो जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, हाउस में भी नहीं देते, विधानसभा में भी नहीं देते कि भाई आए आपके किसानों का काम क्यों है, बिहार सबसे पिछड़ी क्यों है, क्या
क्या ये सच नहीं है कि पंजाब हरियाणा में या कहीं बॉम्बे में कहीं काम अगर कर रहे हैं बिहार के लोग तो बिहार के किसान ही, तो इसलिए हम लोग सब लोग इस चीज को लेकर के चिंतित है कि एपीएमसी रद्द हुआ, बिहार के किसान मजदूर हो गए, पलायन कर गए, और मजदूरों के साथ नीतीश कुमार जी ने क्या किया ये किसी के साथ छुपा नहीं है। और अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो हमें डर है कि जो किसान जो है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी और अमरिंदर की सरकार इनको भिखारी बनाने का काम, इसलिए हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच अपनी बात रखने का काम किया। तो सवाल होगा एक एक करके आप लोग जिनका जिनका मेमोरी काम है उनको शायद ये नहीं पता था उस समय भी उसका विरोध हमारे पार्टी ने किया। विधानसभा में भी अगर प्रोसीडिंग अगर निकाला जाए तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाए। तो ये कुछ ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सच ही पूछिएगा क्या वो मानते हैं कि बिहार के किसानों का आय सबसे कम है देश भर में, क्या बिहार के किसान मजदूर बढ़ गए, कारण क्या है। और जो एपीएमसी खत्म किया गया, मंडी व्यवस्था खत्म की गई, बाजार समिति खत्म किया गया, तो उसका फायदा हमको कैसे मिल रहा है, क्या कौन सा फायदा मिल रहा है, किसानों को कौन सा लाभ मिल रहा है, कौन सी व्यवस्था सुधर गई है, या क्या किसानों का आय दुगना हुआ एपीएमसी रद्द करने के बाद। तो ये सवाल है, ये सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए ये बवंडर क्रिएट किया गया। आज किसान सड़कों पर है तो आज बीजेपी के लोग हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं किसान सड़क, लोगों से मतलब तो है इसमें कहा तो रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर के उससे पहले तो आप लोग बापू के सामने संकल्प ले हुए और हम लोग तो साथ में हैं, हम लोग तो वो लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। और हमारा तो अगर विधानसभा भी जो भी अभी चालू हुआ था जो सत्र था उसमें भी सदन के बाहर सदन के अंदर हम तीनों पार्टियां जो है लेफ्ट के हो कांग्रेस के हो आरजेडी को साथ खड़े हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो हम लोगों का तो सहयोग समर्थन है, हम लोग समर्थन किसानों के साथ, हमारा संघर्ष किसानों को लेकर के। आज किसान सड़क पर है और 18 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, जिन्होंने अपनी जवान जान गवाई है उन पर एक टिप्पणी नहीं करते। 2021 में चुनाव होना तय है आपको पता तो था नहीं पहले कि 2015 में चुनाव हुआ भारी मेजोरिटी के साथ हम लोग जीत करके आए और बिहार का अगर इतिहास देखे 4 साल में 4 सरकारें बनी और हमने तो अपने कार्यकर्ता अपने जितने नेता हैं हम सब लोगों से कहे कि भाई कभी भी चुनाव हो सकता है आप तैयारी तैयार रहें। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो तो चुनाव के लिए हर वक्त जो है वो तैयार होना चाहिए। स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती रही है बिहार में इतिहास के बाद इसमें तो हमको ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। पश्चिम बंगाल चुनाव में आपको कहेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या राजद पार्टिसिपेट करेगी? पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के अभी हमारी कोई अभी पार्टी में नेताओं से अभी चर्चा नहीं हुई, इस पर सब लोगों से बात की जाएगी और अंतिम फैसला जो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा जैसा
उनका डायरेक्शन होगा उसी हिसाब से हमारी पार्टी की तैयारी आपके विधायक भी मार रहे हैं पहले आप चुनाव तो हम लोग लड़ते रहे हैं बहुत जगह लड़ते रहे हम लोग राजस्थान हो यूपी हो झारखंड है बंगाल है नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हमारे चाचा विधायक लेकिन इस पे फैसला जो होगा वो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है और बातें तो इनफॉर्मली तो सबसे होती रहती है पॉलिटिकल लोग हैं ऑपोजिशन के लोग हैं तो आपस में सब लोगों से बातचीत होती रही लेकिन बंगाल चुनाव को तो हम लोगों का वही समर्थन होगा जो बीजेपी को होता है उसमें कोई दम नहीं है लोगों के पास कोई दम नहीं है असली विषय इलेक्शन का कमीशन से हम लोगों ने रिकॉर्ड मांगा कई हमारे जो उम्मीदवार प्रत्याशी चाहे शक्ति की हिंसा से हो मुंगेर के हो परबत्ता के हो ऐसे कई हमारे प्रत्याशी जो है कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने केस को एडमिट किया है हमारे पास एविडेंस है तथ्य है मुंगेर में तो हद हो मुंगेर में जितनी वोटें नहीं थी उससे ज्यादा वोटों की गिनती हो मान लो 2 लाख वोट पड़ा तो 2.25 लाख की गिनती होगी ये तो अद्भुत है ना और हम लोगों के पास हमारे प्रत्याशियों के पास तो कोई उपाय ही नहीं है हम लोगों को न्यायालय में पूरा भरोसा है और न्यायालय का हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द न्यायालय जो है इस पर फैसला लेगी और लोकतंत्र को बचाने का काम तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमला बोला किसानों को लेकर के उन्होंने बात की बेरोजगारों को लेकर के बात की अभी के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़ धन्यवाद